It is a series in which the atom or group of atoms अलग से आपको पढ़ाना पड़ेगा। कल आप भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में, कल संडे है ना, कल दे दें सर। कल कोई टेस्ट तो नहीं है ना? कल कर लेना। यस, ये कार्बन कंपाउंड खत्म करो अभी। कार्बन कंपाउंड खत्म सर, आप मैथ्स में क्या कराओगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में जो कई बार आए हुए वही कराएंगे। विद्या से करवाएंगे, कई बार बोर्ड में जो आए वही विद्या से आते हैं सब। सर मैथ सुबह करवा लीजिए, वो शाम को करवा दीजिए। शाम को मैं पहले आऊंगी ना। हाँ सर, मैथ इंग्लिश का एग्जाम है मेरा। वही सर, मैथ सब सुबह रखो। वही सर, मैथ सुबह रख लो ना, अजीब टाइमिंग नहीं है। और सुबह चाहते हो 10 से 11 रख लो सर, 10 to 12 रख लो सर, 9 से 11 ठीक है। लड़कियों के साथ ऑडिशन में कुछ शिक्षक ज्यादा हो गए तुम्हें वहाँ से दिख रहा है? सुबह साइंस के सुबह मैथ्स पढ़ेंगे ना, फिर दिमाग से पूरा सुबह साइंस सुबह मैथ्स। जिसको कल अवर एनवायरनमेंट भी पढ़ना है तो मैं 5:30 यहीं हूँ, आगे अवर एनवायरनमेंट पढ़ लें। हां ना, 4 घंटे का। हां सर, वैसे मेरे को हेल्प करना है जब करते काम साफ के उसका चेक करने 11 के बाद ले टाइम। अरे सर, कहां से कर जाएंगे? 11 से 1:30 बजे कहां से? चलो आगे देखते हैं। नाउ 9th तक से 7 से 9 शुरू अल्कोहल इज यूज्ड एज फ्यूल्स, सो शुगर फ्यूल, शुगर केन जूस इज यूज्ड to convert molasses, तो इससे क्या किया जाता है कि कैसे शुगर केन को अगर हम क्या करें, चलाते जाएं, हीट करते जाएं तो काली पड़ जाएगी, मोलेसेस बन जाए, उसी से तो वो गुड़ बनता है कि नहीं? शुगर केन से ही तो गुड़ बनता है, गुड़ से फिर चीनी बन जाती है जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो उसका कलर चल। जैगरी है, जैगरी जैसा ही एक फॉर्म मोलेसेस है, उसका पिघला हुआ फॉर्म। तो शुगर केन जूस इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोलेसेस और उससे मोलेसेस बना लिया एंड देन इट इज फर्मेंटेड, फिर इसका किण्वन कराया जाता है, जैसे ईस्ट से फर्मेंटेशन कराया जाता है।
कीड़े पड़ जाए इसमें, क्या पड़ जाए, फर्मेंटेशन का मतलब है कीड़े लगने की प्रक्रिया, तो सड़ा लो उसको। नाउ देन इट इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल, फर्मेंटेड का मतलब होता है किण्वन। सर मोलेसेस क्या होता है? मोलेसेस एक जैगरी होता है जो गुड़, गुड़ का पिघला हुआ रूप ही मोलेसेस है। तो शुगर केन जूसेस से, जूस से हमने मोलेसेस बनाया, और मोलेसेस में हमने क्या किया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करा दिया, यीस्ट डाल दिया, और यीस्ट डालने के बाद वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सर वो फर्मेंटेड टू फॉर्म, इससे क्या बनेगा, इथेनॉल। ओके इथेनॉल। नाउ अब जरा देखें, सम कंट्रीज यूज्ड इथेनॉल एज एडिटिव, पूरी तरीके से तो इथेनॉल को वो नहीं यूज करती हैं, इथेनॉल एज एडिटिव इन पेट्रोल 20% मिक्सिंग होती है। तो क्या मिक्स करते हैं, वाटर? नहीं, 80% ऑक्टेन और 20% इथेनॉल। किस चीज में? जो पेट्रोल हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, ऑक्टेन। तो भी तो बचत हुई, अगर मैं 20% क्या मिला दूं उसमें, इधर ये तो पेट्रोल है, C8H18, ये तो पेट्रोल है ना, तो इसमें ये एडिटिव की तरह यूज हुआ, तो ये सही बर्निंग देता है स्मोकलेस, तो 20% हमें कम खरीदना पड़ा दूसरे देशों से। तो इट इज यूज एज एडिटिव इन पेट्रोल, ऐड कर दिया। अब मान लो हमें दूसरे देश से महंगा पड़ रहा है, तो क्यों ना हम अपने ऐसे गन्ना हुआ के अल्कोहल बना ले, उसमें मिला ले, तो 20% का पैसा डॉलर बचे कि नहीं, अमेरिका में काम। हाँ, तो यही चीज हुई। तो इसलिए ये विच गिव्स राइज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अगर मान लो ये क्लीन फ्यूल ही है, पेट्रोल में बहुत सारी चीजें एडिटिव पड़ती हैं, तो अलग अलग चीजें, जैसे सीएनजी है, सीएनजी का इशू है, जब शीला सरकार आई थी दिल्ली में, शीला दीक्षित सरकार, तो अभी तो केजरीवाल सरकार है, इनके पहले शीला सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था, सीएनजी में कांग्रेस ने प्रतिज्ञा की थी कि 15% एसटू मिलाएंगे एडिटिव। किसमें, पेट्रोल में? नहीं, सीएनजी में, मीथेन में। क्यों? उससे क्या हुआ कि मतलब हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, तो मतलब कुछ भी चीज उसको मिक्स कर दो, एडिशन कर दो, तो हमारे पास सीएनजी का लोड कम हो जाएगा। मान लो सीएनजी के लिए लाइन लग रही, बहुत पहले लाइन लगती थी, ऑटो बहुत लाइन लगाते थे कि नहीं, तो अगर सीएनजी सरप्लस करना है और अच्छा काम कर रहा है हाइड्रोजन मिलाने से, हाइड्रोजन तो एक फ्यूल है ही है, तो उसको मिला देते, तो पूरा हाइड्रोजन जलाओगे तो कई बार ब्लास्ट हो जाएगा ऑटो, इतना ज़्यादा उसमें साउंड होता है, तो खतरा भी ना रहे। अगर पूरा इथेनॉल जलाओगे तो ये फिर अनरेगुलेटेड बर्निंग देगा, इतनी ज़्यादा जल्दी इससे जलेगा कि ये डेंजरस है, तो इसकी वजह से इथेनॉल को एडिटिव के तौर पर तो यूज़ किया जाता है। सर मिलाते हैं पेट्रोल में? हाँ, पेट्रोल में मिला देते हैं, तो 20% लोड कम होगा कि नहीं पेट्रोल का, मतलब आप 80% ही दूसरे देशों से ले रहे हैं। मिलाते हैं कि आपके पास जैसे कोई चीज नहीं है, किसी को पांचवा मेहमान आ गया तो कह रहे हो कि 4 गिलास शरबत है, पानी मिला दो, 1 गिलास लो, पांचवा मेहमान पियो, तो वही चीज यहाँ पी जाए। मतलब पेट्रोल में अल्कोहल मिलाते हैं? हाँ, 20% मिला दिया, और बोलो सब लोग चलो सबका पेट्रोल, वो पेट्रोल के नाम से बेच दिया, तो उससे हमें इराक ने नहीं दिया पेट्रोल, बोले 25% मिलाओ, दे नहीं रहा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछे ये रिएक्शन आती है कि C12H22O11 और इसका फर्मेंटेशन, ठीक है, अच्छा अल्कोहल बनता है ना? हाँ, इसके फर्मेंटेशन का दो प्रोसेस होता है, अल्कोहल बन जाए शायद। सर इसे सुक्रोज ऐसे करके कुछ बनता है? यही सुक्रोज है सर, ग्लूकोज से सुक्रोज सिंथेटिक अल्कोहल निकल रहा है फर्मेंटेशन से, बाकी तो बीज की प्रक्रिया है, वो आप सीखोगे। ये जैसे सुक्रोज है,
तो इससे फर्मेंटेशन से क्या बना? अल्कोहल बन गया। सर ये सुक्रोज ही है, शुगर केन जूस। के हाँ शुगर केन जूस। सर आपके वो उसमें भी लिखा हुआ है सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है और फिर उससे इथेनॉल बनता है। हाँ तो वैसे कर लो, ये चीज सही है। तो ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है और C6H12O6 सुक्रोज। तो देखो ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, जो ग्रेप शुगर है, और बोलो फ्रक्टोज का क्या मतलब है? फ्रूट शुगर। और अगर इन दोनों में हम एक इनवर्टेज एंजाइम डाल दें, कौन सा एंजाइम? जाइमेज या इनवर्टेज, क्योंकि इनवर्टेड शुगर मान जाती है इनवर्टेज। अच्छा जाइमेज इसके बाद डाल दें, इनवर्टेज एंजाइम डाल दें और फिर इसके बाद इसका क्या करा दें? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आप सिर्फ फर्मेंटेशन ही लिखो तो फिर क्या बन जाएगा? इथेनॉल। फर्मेंटेशन यानी कीड़े इसमें लग जाना शुगर में, समझ में आ गई बात? ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं आपको, ये दो लाइन याद रखना। रिएक्शन का मतलब है कि पहले हमने क्या किया, इन दोनों को क्या किया बताइए, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट करने पर यही है इन्वर्टेड शुगर हो गई, यानी इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो इसलिए इसमें कौन सा एंजाइम डाला गया इन्वर्टेज वो भी मत लिखे, बस इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया गया और कन्वर्ट करने के बाद फिर इनका फर्मेंटेशन कराया गया और इथेनॉल बन गया। ओके सर, एक ही का फर्मेंट दोनों सही बन जाता है। जैसे अगर आपको अंगूर की शराब भी आती है बाजार में और अलग अलग फलों की शराब भी आती है, तो इस तरीके से सबकी शराब बनती है। इवन जौ की शराब, गेहूं की शराब, चावल की शराब, किसी भी खाने की चीज को सड़ा दिया जाए तो वो शराब है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सर मैं बताऊं, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग विनेगर, दीज आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग बाथ परफ्यूम्स, ईस्टर्स, मेडिसिन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज C2CH3 COOH, its chemical name is this, ethanoic acid, or isko acid 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 सर प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है ना, पिकलिया ड्यूरिंग ये सक्रीट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, वो अपने मुंह से वो निकालते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी उसी श्रेणी में आते हैं, जो मुंह में रहते नहीं हम लोगों में, जो पायरिया हो जाता है, स्मेल आती है, तो वो भी एक तरीके से बैसिलस का मतलब है रॉड लाइक। तो एसिटोबैसिलस जो है एसिड सेक्रीट करें तो उनको क्या कहेंगे? एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ऐसे जो हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो भी एक उसी कैटेगरी में है, वो यही चीज सेक्रीट करते हैं। एथेनॉइक एसिड सिरका दैट इज CH3COOH। तो बैक्टीरिया ड्यूरिंग डाइजेशन यानी उनके पास जो है डाइजेशन के लिए अंदर में कुछ ऑर्गन नहीं होते हैं, वो खाने को बाहर सड़ा लेते हैं और न्यूट्रिशन पचा लेते हैं, कैविटी करते हैं। नाउ तो इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। सो its common name is vinegar, नहीं acetic acid is acetic acid, वो तो उसका aqueous form है, diluted form vinegar है। its 5-8% solution in water is called vinegar, its 5-8% ठीक है solution in water सभी जगह विनेगर मिल जाएगा, किसी भी आप जो प्रोविजन स्टोर में विनेगर रहता है सस्ता मिलता है 20-30 रुपए का। इस कॉल्ड विनेगर। नाउ इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, तो जो किसमें यूज किया जाता है? प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ये विनेगर ही है। अब इसमें सिंथेटिक विनेगर है, कुछ स्मेल तो आ ही जाएगा। समझ में नहीं आया।
विनेगर ही है हाँ सर ऐसे पिछवा मत निकल इसी को डालते बहुत सारा डालता है वो ऐसे तो उसके अंदर पूरी खाली बोतल है सही सर आप ऐसे करके ये समझ में नहीं आया सुनो एसिटिक एसिड जो होता है ये वही एसिड है जो स्ट्रेप्टोकोकस या एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया निकालते हैं और इसी वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड है वरना इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो इथेनोइक एसिड है अगर इसमें हम 95% पानी डाल दें और थोड़ा सा एसिटिक एसिड ही डालें तो उसको विनेगर कहते हैं वो बाजार में बिकता है मतलब 95% पानी हो और 5% CH3COOH हो तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसको तुम आम के अचार में डाल दो थोड़ा सा तो फिर क्या होगा तुरंत गल जाएगा उसको 15 दिन धूप दिखाने की जरूरत नहीं है तो पिकलिंग के लिए और उससे बनने वाले आम के अचार में कीड़े भी नहीं लगेंगे तो इसलिए इसको कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है ज्यादा नमक नहीं डालने की जरूरत है अचार में कहते ज्यादा नमक डाल दो तो कीड़े नहीं लगेंगे उसकी जगह तुम थोड़ा सा सिरका डाल दो तो सिरका डालने से क्या होता है ये इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन और पिकलिंग यानी आप पिकल बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो एडिबल के तौर पर तो इस्तेमाल हो ही रहा है कि नहीं सो विच इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स अदरवाइज आप थोड़े देर अचार खुला रख दो दो चार दिन में उसके ऊपर फंगस लग जाती है लग जाती है लेकिन अचार हम लोग कई दिन के लिए बनाते हैं ना महीनों के लिए अगर दो चार दिन में फंगस लग जाए ढक्कन खुला रह गया तो बेकार हो गया अच्छा नहीं है खाने में इसलिए थोड़ा सा डालते हैं उससे उसकी टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है अचार का ऐसा नहीं कि अच्छी चीज है लेकिन प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आप देखा आपने स्मेल कैसी है तो कुछ लोग अचार में डालते हैं विनेगर जिससे कि वो प्रिजर्व रहता है बहुत समय तक लंबे समय तक लेकिन लोग कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं विनेगर वाला अचार क्योंकि स्मेल की वजह से और उसको तेल में ज्यादा डुबो के रखते हैं क्योंकि तेल भी प्रिजर्वेटिव है शुगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव है नमक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है ये सब लोग बैक्टीरिया को मार देते हैं ज्यादा नमक हो शुगर हो कैंडी शुगर है तो उसमें आपने देखा फ्रूट की कैंडी होती है फ्रूट की जेली की और अगर शुगर ना डालो तो सड़ जाएगी और अदरवाइज वो चल रही तो शुगर भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है नमक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है तो और ऑयल में कोई चीज डुबा के रखो तो भी प्रिजर्वेटिव है कोई भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बच जाए तो फिर बैक्टीरिया अटैक है नाउ इट इज टर्मरिक एंटीसेप्टिक है टर्मरिक एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक है चोट वोट पे लगाते हैं ना चोट में एंटीसेप्टिक क्या होती है बताओ एंटीसेप्टिक भाई आप अलग अलग चीजें जान लीजिए यानी एंटीसेप्टिक का मतलब है त्वचा में रोग हो जाना और उसको एंटी तो त्वचा को एंटी कहते भाई उनके हाथ में सेप्टिक हो गया क्या क्या लोहा लग गया था उससे सेप्टिक हुआ अब कह दो फिर ऐसे में ये कह दिया जाए हल्दी लगा देते हल्दी तो एंटीसेप्टिक था हम लोग सलाह देते हैं नहीं तो सेप्टिक का मतलब त्वचा में क्या हो गया फंगस हो जाए कुछ हो जाए तो कहते उनके उनके यहाँ पे घाव हो गया सेप्टिक हो गया और अगर हल्दी लगा दी तो यानी त्वचा के लिए रेमेडी फॉर स्किन उसको क्या कहते हैं एंटी हिस्टामिन का क्या मतलब है रेमेडी फॉर हिस्टामिन रेमेडी फॉर उसको क्या बोलते हैं सब पीपल के लिए
यानी जैसे कहीं कुछ आपके चोट लगी उसमें जलन खूब हो रही है तो आप उनसे कहेंगे भाई एंटी हिस्टामिन दो, ये जलन हो रही है काम कैसे करें? ठीक है, हिस्टामिन का मतलब जलन, फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, तो इसका मतलब है जलन को कम करने वाला, जलन को कम करने वाला, हमें ऐसी जानकारी नहीं है। और एंटी पायरेटिक ये देखो ये चीज है, तो मेलामाइन है वो क्या होते हैं बर्तन बनते हैं जो प्लेट्स ऐसा हमारे पास रखा है सलूशन, इन सब में हमने कोटिंग कर रखी है, ये मेलामाइन की कोटिंग, मेलामाइन, मेलामाइन का दवाई भी आती है, ये एंटी पायरेटिक क्या है सुन लें, डाइजेशन को, फीवर पायर, पायर का मतलब क्या होता है सर? पैरासिटामोल, पायर का मतलब चिता, तो एंटी पायरेटिक का मतलब ज्वर को कम करने वाला, ज्वर को, ज्वर मतलब कम, ज्वर करने वाला है वो नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं सर? ज्वर मतलब क्या? फीवर, ओके, फीवर, एनाल्जेसिक, ऐसा एनाल्जेसिक का मतलब दर्द को कम करने वाला नहीं है, नहीं सर, एनर्जी का ही है सर, अभी देखते पेन किलर हमें लगता है एनाल जैसे कभी चेक कर लेते हैं सर, एनल तो उसको, हाँ एनाल जैसे हिंदी मीनिंग एनाल जैसे हिंदी मीनिंग दर्द नाशक है, ब्रूफेन खाई जाती है वो, कौन भी प्लेन खाई जा सकती है, तो अब आप समझ गए इट इज विच इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, विच के बाद लग रही है, ओके यूज एज, कोई बात प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, बस पिकल का या फिर सर ये विंटर्स में फ्रीज भी हो जाता है। चलो अब इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बताइए? 290 है, यस सर, हां भाई 290, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन, 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस, सो इन विंटर इट ऑफन फ्रीजेस, इट ऑफन फ्रीजेस इन कोल्ड कंट्रीज, ग्लेशियल एसिडिक, ऑफन फ्रीजेस सर, ये तो पहले से लिक्विड की फॉर्म में था, तो ये और भी पिघलेगा, नहीं फ्रीज हो जाएगा 19 मतलब जैसे 0 डिग्री पर जाने पर पानी जम जाता है, मेल्टिंग पॉइंट पे कोई चीज, मेल्टिंग पॉइंट ही तो किसी का फ्रीजिंग पॉइंट भी होती है ना, उसके उधर वो सॉलिड उसके इधर लिक्विड, तो 17 डिग्री से कम तो यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेचर होता ही है, 10 डिग्री होता है, तो वहाँ ये जम के ग्लेशियर की तरह मतलब ग्लेशियर जमे जैसी बर्फ होती है ना वैसा ये दिखने लगेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? ग्लेशियल एसिडिक एसिड। हमारी सर कह रहे चाहिए क्वेश्चन भी लिखना नहीं होगा। अरे वो ऐसे ही है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक, इसको कहा जाएगा ठीक है क्योंकि वहां जम जाएगा। नाउ इट्स ग्रुप, इसके जो ग्रुप, हाँ सर वो फैन या तो सेट कर दीजिए किधर, तो तुम्हारी तरफ है क्या सर? हाँ आ रहे हैं सर, आपकी तरफ कर लीजिए, आपको भी गर्मी लगेगी, हमें नहीं लग रही सर, थोड़ा कम कर लो ना। आप देखें कि ये जो
एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है, इट इज ए मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ठंडी होने के बाद जो होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, और कुछ नहीं। ग्लेशियर, ग्लेशियर वहां होते हैं बर्फ, तो ये बर्फ की तरह दिखने लगता है जैसे, तो इसलिए वैसा ही इसका लुक दिखता है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज नहीं बदलते नहीं। तो इथेनोइड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही है, रूम टेम्परेचर के करीब है, 7 डिग्री फॉल हुआ नहीं। मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है, सो 17 जैसे ही कम होगा बर्फ जम जाए। भाई आप ये देखो ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या लिक्विड है और यहाँ वेपर गैस, वेपर और यहाँ सॉलिड, सॉलिड। तो उसी तरीके से हमारे एसिटिक एसिड में, ये वाटर का ग्राफ बनाया, अब जरा एसिटिक एसिड का बनाओ, तो यहाँ कितना है 17 डिग्री और ये 153 था, कल कितना कैलकुलेट किए थे 159 से 157, जो पहले पेज से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एसिटिक एसिड से 391 से कर लो 391 273, तो ये 8 आ गया और ये 118 ये कल, तो ये एसिटिक एसिड CH3 पहला बॉक्स है, CH3 C डबल ओ एच। तो अब बताओ 17 से नीचे क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉलिड, और ये सॉलिड दिखने पे ग्लेशियर की तरह दिखेगा, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तो सॉलिड होगी ना कोई चीज, तो ये देख लो, और ये इसके बीच में क्या है लिक्विड, और इसके ऊपर तो ये सॉलिड है, दिखाने की कह दो यहाँ सर, देखना होगी इसमें ठीक है, हम ये दिखा देते हैं ग्लेशियर एसिटिक एसिड कैसा दिखता है। तू आंखें बंद कर ले, क्यों करो, देखो नहीं देखूंगा। नंबर तो तड़कते बढ़ते लाते नहीं है। लाता हूँ ना 4:30-5 में। ग्लेशियर एसिटिक एसिड आधा नंबर पता नहीं चला क्या है। एसिटिक एसिड देखो, ये तो एसिटिक एसिड है, ये वो दिखाते ना सर, ऐसा ही बोतल आपके पास भी है। हाँ ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है, ग्लेशियर जो अब इसका ग्लेशियर हम दिखा देंगे, दिस इज लेबोरेटरी रिएजेंट, क्या है मान लो जब ये ऐसे जम जाएगा तो किस तरीके से रहेगा, ये देखो जो ग्लेशियर की तरह लग रहा है, जम गया ये टॉप व्यू है। अब जरा सा एक बर्तन में तो तुम्हें और कैसा लगेगा, कोई बहुत सारा थोड़ी दिखाएगा, ये सब ग्लेशियर लग रहा है, ये सब ग्लेशियर की तरह ही लग रहा है, आप देखो आपको पता लगे या ना लगे, समझ में आया, ये जम गया बर्फ की तरह, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी देख लो, अगर आप इसे किसी बीकर में डालोगे इसमें धुआं निकलेगा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये किसी में से वाटर निकालने में सक्षम है, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फार्मूला क्या होता है, हर चीज जानते हैं, और लोग H2SO4 बोल रहे थे, लेकिन ये गजेंद्र ठीक बताते हैं, ये किसका कंसंट्रेटेड एसिडिक एसिड, ये कंसंट्रेटेड H2SO4, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यही है वो।
फिर से देखो जरा, ये बोलो क्या है? इससे बढ़िया तो लिख ही दे कंसंट्रेटेड। रुको, इसको देखो, ये कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड है। H2S, ये बोलो H2SO4 है। ये क्या है? H2SO4 ये भी है। और अगर इसमें से वाटर निकल जाए तो क्या ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा? अब जरा इसका फार्मूला बनाओ सर, दो होगा ना, दो सर करो जरा। H2 और O कितने हुए? H2SO7। इसको कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4। यही है वो फ्यूमिंग H2SO4। बाजार में लेने जाओगे जरा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कहाँ कम कर दिया सर? मैं बोल रहा था ना कि उधर अपने अब सही है। तो फ्यूमिंग H2SO4 फ्यूमिंग होता है, इसमें से धुआं निकलता है। फ्यूमिंग मतलब सधूम, सधूम धुआं निकलता है। कौन सी पेज पे आपसे पूछने? अभी आने वाला है ईस्टर पढ़ाएंगे ना, तो आपने कहा था सर वो क्या लिखा आपने? ओलियम है, ओलियम। इन्होंने बोला साथ साथ थोड़ा तड़कता भड़कता भी बताना, तो मैंने बता दिया। तो आप समझ गए ना ये ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों होता है? अभी पूछेंगे ओलियम के बारे में आपके लिए। इसको ये जम जाता तब बन जाता। ठीक है, अच्छा आपने फ्यूमिंग क्या लिखा है? फॉर्मिंग, ये फ्यूम निकलना है कि नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये फ्यूमिंग भी कहलाता है। सर इनको यहां पे सर ये कंप्लीट नहीं करा रहे क्या ये नीचे? तो इथेनोइक एसिड तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, एंड इट इज किस फैमिली का है? इट इज इथेनोइक एसिड इज मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज है ना, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना सर? हां कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। Who's higher member साहब? Who's सही higher members क्या होते हैं? Higher members are called fatty acids. Called fatty acids. जैसे हमने आपको ये बताया था, अगर याद हो C3H7COOH चार कार्बन वाले, इनको क्या कहते हैं? Butanoic acid. एसिड, जिसको कि अमूल बटर भी कह सकते हैं। हाँ। जो कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए इसको कहेंगे रेंसिड अमूल बटर। अच्छा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाए बटर का तो क्या कहेंगे? कड़वा बटर कहाँ से ले आते हैं? कड़वा कड़वा लग रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? रेंसिड। और हायर पे जाओ 17 पे, तो लाइफ बॉय साबुन बनेगा। अभी थोड़ी देर बाद बताना है, सोप तो अभी बताना ठीक रहेगा। सो सोडियम साल्ट, किसका सोडियम साल्ट बताओ? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, किसका? हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप्स। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी, हायर हायर मेंबर, मतलब हायर फैटी एसिड। ये सब फैटी एसिड्स ही तो हैं, इसमें आगे वाले मेंबर चार तीन के बाद तो सब फैटी एसिड शुरू है। तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप, जिसके अंदर 3 से ज्यादा कार्बन वो फैट है, फैटी एसिड्स, तो उसे क्या कहेंगे? सोप। तुम्हें थोड़ा याद दिला दें कि जो तुम्हारे बॉडी में फैट है या ऑयल है या लिपिड है, फैटी एसिड, जब इन पर लाइपेज की जब इन पर रिएक्शन होती है, ठीक है, तो फिर ये किस में बदल जाता है? फैटी एसिड ग्लिसरॉल, लाइपेज। और ठीक है, और साथ में इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि दैट इज बाइल जूस और लाइपेज दोनों का ये काम होता है, उसे तोड़ना। तो ये नहीं देखा ग्लिसरॉल, नीचे ग्लिसरॉल भी लिखा, देख लो ग्लिसरॉल लिखा है। अगले सीन ये गाढ़ा गाढ़ा मुंह में छाले होते हैं तो लगा लेते हैं ऐसे, छालों में मीठा मीठा होता है।
तो ये बन जाएगा, अब समझ में आया, ये बहुत ठीक है और हल्का सा मीठा मीठा सा होता है। हाँ फेस के लिए सब कुछ है, इसको कभी क्या करते हैं गुलाब के पत्तों में कई तरीके से अपने चेहरे पे लगाते हैं। ये देखो अब हम इसकी बात करें, किसकी फैटी एसिड की, तो आर कॉल्ड सो, एग्जांपल बताओ, C17H35C00N, अभी बस अगले बार आने वाला है इसकी हेडिंग, इसलिए भी यहाँ बता दिया आपको, सोडियम स्टीयरेट, क्या नाम है इसका, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। अच्छा एक बात बताओ, CS, अभी समझ में आएगी, इसका नाम बताओ तो समझ में आए, इसका क्या नाम है, मिथाइल, ऐसा नहीं बोलो सर, सोडियम सोडियम एसीटेट। अच्छा फिर अगर ये सोडियम एसीटेट है तो ये बताओ ये क्या है, जो मैं बताऊंगा ये बताओ ये क्या है, सर मैं बताऊं एसीटिक एसिड, तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें एच लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सर सोडियम, सर रुक जाओ, सर सोडियम, सोडियम की बात मत करो, एन ए हटा के, अगर मान लो मैं एन ए हटा के सी सेवेंटीन, वो तो पता ही नहीं है 17 को कहते क्या है, कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ अगर एच लगा दे तो क्या नाम है, स्टीयरिक एसिड, जैसे तुमने इसे एसीटेट से नाम दिया एसिटिक एसिड, तो सोडियम स्टीयरेट है तो वो स्टीयरिक एसिड होगा, तभी तो स्टीयरेट बोला गया है उसको, तो ये क्या कहना है स्टीयरिक एसिड, क्या बोलेगा, अब आ रहा है ना सोप, तो सोप तो जानना पड़ेगा फार्मूला, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टीयरिक एसिड, सर इसका एक और देख लो, एक ये जैसे अभी माही ने बताया है, माही ने ठीक बताया है, C00N इनको मालूम था तभी बताया, तो इन्होंने बताया है कि दो तरीके के सोप हैं, एक है कार्बोनिक कार्बोनिक सोप है और ये लग्जरी सोप है, ये लाइफबॉय है और ये लक्स है, पहले वो जो बता रही उसको तो लिखो, माही जो बता रही है लिखो, सोडियम पामिटेट उसका तो सुन लो पहले, सर ये तो पोटेशियम है ना, हाँ तो लिखो पोटेशियम पामिटेट, तो क्या सब पामिटेट, हाँ लिख दे रहा हूँ, ये कैसा सोप है, लग्जरी सोप, और ये क्या है बताइए, कार्बोनिक, यानी इसकी कीमत ज्यादा है, ये 20 रुपए का है, ये 33 रुपए का, तो उसमें ये पोटेशियम है तो ये हमारी स्किन पर थोड़ा सॉफ्ट है, और अगर आप मान लो इसमें अभी ग्लिसरॉल दिखाया था, ज्यादा ग्लिसरॉल डाल दो तो पीएस बन जाएगा, और अच्छा हाँ मतलब ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, हमें ज्यादा मतलब नहीं है, बस इतना जान लो कि क्या हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं वो फैट से बनते हैं ना, फैट के डाइजेशन से, और उनके सोडियम सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं, सोप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोप, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, जैसा कि शिवम बता रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप, ये लिखो, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, हां ठीक है सर, सोडियम के साथ एंड कर लिखा हुआ है, मत बोलो सोडियम एंड सर लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, अरे लिखा नहीं है और पोटेशियम सॉल्ट हायर, ऐसे आर कॉल्ड क्या कहलाता है, सोप, तो इसी फैमिली का है, हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, मीथेन वही कैसे पर सर इसके ऊपर वाले लाइन में क्या फर्क है, एक ही चीज है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फायर वही चीज है ना, कुछ लोग दूसरी तरीके से लिखते तो समझ लेते हैं, एक ही चीज है, सर ये कुछ खुल गया सर, सर ये कुछ डब्बा खुल गया, मोबाइल में देखो सर कुछ, व्हाट इज, अरे नहीं सर ये हाइट भी सर, अरे रिवर डेल्टा वो 9 होगा, सर ये वाला एसी पर नाउ
57 है, बढ़ाना नहीं सर, कम करना है। गर्मी लग रही है सर हमको। अब ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज, सो दीज आर वीक एसिड्स। ये क्या होते हैं, कमजोर। जो CH3 COOH इज वीक एसिड विच पार्शियली डिसोसिएटिंग वाटर। एक लाख में एक वीक होते तो पार्शियली कैसे हुआ? वीक है इसीलिए तो ज्यादा इस पर छोटे नहीं है ना। मान लो CH3COOH है और अगर इसमें पानी मिला दिया तो इससे क्या होगा, CH3COOH- बना देगा H2S, और साथ में क्या बना देगा, H2O। H+ बना सकता है या H3O+, आप क्या लिखना चाहेंगे, H+ लिखना चाहेंगे? दोनों तो सेम होता है ना। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो अब H+ भी लिख सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, H3O+ H2S भी लिख सकते हो। छोड़ो, समझ आ गया। तो एक लाख डालोगे मॉलिक्यूल तो एक टूटेगा, और जबकि HCl में 100 डालोगे तो 100 टूट जाते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो वीकली हो, तो जब ये एसिड ज्यादा देगा ही नहीं तो क्या वीक एसिड नहीं कहलाएगा, और HCl 100 के 100 दे देगा। अब हम देखेंगे सर, ये समझ में नहीं आ CH मतलब ये वीक एसिड है, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। जब हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कि चाहे कोई भी एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो या कोई भी ऑक्सैलिक एसिड हो, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। मतलब पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे। तो एक लाख डालोगे तो एक कोई टूटे, एक लाख इसके मॉलिक्यूल डालो तो एक टूटेगा, और HCl डालोगे तो कितना टूटेगा, सारा टूट जाएगा। यानी ये 0.0001% डिसोसिएट होता है। और तो कितना कम हुआ, अगर ज्यादा स्प्रेस करेगा नहीं तो तुम थोड़ा सा सिरका डाल के अपना चाउमीन मजे से खाओगे, कर दे HCl डाल दे चाउमीन में तो कोई नहीं खाएगा, जी भी नीचे उतर के आ जाए। तो जब H+C तो खतरनाक है, जी भी मतलब HCl हमने वाटर डाल दिया तो क्या हो गया बताइए, Cl- aqueous और प्लस हाइड्रोनियम आयन aqueous, तो ये 100% है। समझ आया, डिसोसिएबल। तो कौन ज्यादा खतरनाक, HCl? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। इसको बेस बोल सकते हैं? बेस तो कुछ भी नहीं है, एसिड ही है, दोनों एसिड तो दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी वाटर में डालोगे तो एक्सप्रेस की संख्या ज्यादा रहेगी क्योंकि दोनों एक्सप्रेस दे रहे हैं। अब देखिए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, एथेनॉइड की बता रहे हो? हाँ, सी, फिर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देख ले, तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहली क्या है, एसिडिफिकेशन दैट इज कि CH3COOH कुछ ना करो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो उसके लिए किसी बीकर में अल्कोहल एंड एसिड पानी डाल दो, अब पानी को गर्म करो क्योंकि अल्कोहल को सीधे करोगे तो डिकम्पोज हो सकता है, तो वाटर डाल के गर्म करो। तो ये वाटर है और इसमें ये परख नली डाल दें, दैट इज टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में क्या चीज डाल दिया, सर अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल जाता है ना, मान लो आग लगी है कुछ भी हुआ तो उसकी वेपर्स भी इनफ्लेमेबल है, फ्यूल है अच्छा खासा। तो इसमें हमने क्या डाल दिया बताइए, तो इसमें दो चीज डालनी है कि एक तो CH3COOH, दूसरा क्या डाला, C2H5OH।
OH, और इसको जब इसमें से जो अरोमा निकले उसको आप क्या करिए, कलेक्ट सूंघिए। तो जब आप सूंघेंगे तो आपको केले जैसी स्मेल आएगी। फ्यूम्स के ऊपर क्या है? नोज। 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 हाँ। तो नोज में जब सूंघेंगे तो फिर इसकी अरोमा आपको फ्रूटी लगेगी। तो नाउ ये चीज आपको अरेंजमेंट बनाना है कि इसको ट्राइपॉड स्टैंड या कहीं पर रख करके और फिर इसको बर्नर ट्राइपॉड या स्प्रिट लैंप लगा दें और फिर इसको देखें। बस ये सर आप ही करके बताएंगे? नहीं, तो इस तरीके से प्रिंसिपल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है? फिजिकल और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि 17 डिग्री पे ग्लेशियल होता है, ये माइल्ड एसिड है और ये लिटमस पेपर को ये क्या कर देगा बताओ? रेड एसिड है, वो अल्कलाइन है, इसका पीएच 7 से कम है, सो इट्स पीएच इज लेस देन 7, सो इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो और वो चीज है कि इट इज एसिडिक है टर्न्स। और सर ब्लू क्या टर्न करता था? ब्लू वो अल्कोहल था, लिटमस टू रेड, क्योंकि ये एसिड है ना। अब मैंने इन दोनों को ले लिया साथ में और वो लोग गर्म किया तो क्या होगा, फ्रूटी स्मेल आएगी क्या? फ्रूट लाइक स्मेल। सर H3O को हाइड्रोनियम कहते हैं ना, फॉर्मिंग, हाँ फॉर्मिंग ईस्टर बना देगा। अच्छा अब जरा देखो, मैंने C2H5 ले लिया और इसमें से एक ये चीज चली गई तो बोलो आपके पास क्या बना, और इसमें कुछ आप ऐसे ले लें थोड़ा सा एसिड आप ले लें कंटेनर। उन्होंने कहा है, सुन लो, कह रहे हैं कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड, पढ़ो जरा उसी ब्लू वाले कॉलम में ऐसा लिखा है। तो अच्छा बताओ, कोई मुझे बता दे ये थोड़ी देर के लिए, वो मैंने ओलियम लिखा था, अब उसको समझो, मैंने क्या लिखा था H2S2 और अगर ये कहीं से इसको पानी मिल जाए तो क्या ये 2H2SO4 बनेगा? देख लो, क्योंकि H2SO4 में से पानी निकाला था तब वो बना था, है कि नहीं? H2O नहीं निकाल लिया था और इसी को फिर पानी, तो क्या ये सक्षम है इस वाटर को निकालने में? कैसे? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा आपने बताया, इसमें से अभी हमने पानी निकाला तो वो बना। हाँ हाँ, फिर से दिखाऊं? नहीं सर। हाँ सर, यानी HOS डबल बॉन्ड हो। अच्छा सर, हाँ हाँ। और दूसरा क्या है? एस डबल बॉन्ड हो। तो अगर मैं इसमें से वाटर निकाल लूं, खूब इसको गर्म करूं, तो बोलो क्या बनेगा? ओलियम। ओलियम बन जाएगा कि नहीं? ये वाटर हट गया, अब काउंट कर लो चाहे H2SO7 बना। और अगर यही चीज मैं फ्यू ड्रॉप इसमें डाल दो, इसीलिए फोटो भी दिखाई दी आपको, सधूं मैं धुएं जैसा, तो H2SO4 क्या हुआ? कंसेंट्रेटेड H2SO4 क्या हुआ? ठीक है, जब ये लेने पे ये सारा वाटर निकाल देगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या निर्जली कारक, जल को निकाल देता, तो निर्जली कारक। तो ये क्या हुआ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, सो दिस इज ईस्टर फ्रूट स्मेलिंग। अच्छा तो फिर क्या बना जा रहा है, देखो। अच्छा पीयूष चौधरी, मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप इसका नाम बता दोगे। सर मैं बताऊं? इनको बता दो। सर इथाइल मिथेनोइड नहीं होगा? सर मिथाइल होगा। मिथाइल इथेनॉल और एथ, दो कार्बन सही है। तो व्हेन एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ
hot concentrated H2SO4. Then it forms ester. Fruit like smelling. ठीक है कंपाउंड कार्ड ईस्टर ये लिखो ना इस चीज को लिख लें एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन आप बोलो क्या कहते हैं प्लस H2 ना हाँ ये बात सही है तो और क्या निकला H2O सो व्हेन इसे पूरा मत मिटाना प्लीज ठीक है नाउ व्हेन सो एसिटिक एसिड क्योंकि हम लोग एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद इथेनॉल टू फॉर्म ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 हॉट सर एक बार बता दो इस साइड में क्या लिखना है आप बता रहा हूँ बोलो सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए इस साइड क्या लिखना है ये तो नीचे तो क्या था पेशेंट हाँ बताना गर्मी लग रही मैं आपकी तरफ कर देता हूँ उनकी तरफ करूँगा अपना भी चला अपनी तरफ कर लो मैं चला के अपनी तरफ रखूं बस मैं तो मत करो रहने दो नहीं नहीं ऐसा भी क्या बोला कहते अब से कहते बोला कहते तो ये वाला भी चला दे हां चलो ये होगा ना अब ये सब तो कर राजस्थान नहीं है पत्थरबाजी होती है ये बताते हैं अभी तो आपकी तरफ नहीं आ रही ना आ रही और कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इट प्रोड्यूसेस इथाइल एथेनेट फ्रूट लाइक स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर कॉल्ड ईस्टर सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा यही है कॉल्ड ईस्टर This process is called esterification reaction. Esterification. Esterification. Sir, ester का कोई एक और भी तो वो होता है ना? हाँ. कि जब alcohol को carboxylic acid से mix किया जाए. तो वही तो कर रहे हैं. और देख लो. ये वही है, ये वही है. देख लो, वही बता रहे हैं आप लोग. देख लीजिए. हाँ. With any acid. ये special attention दे रहे हैं. Sir, any acid लिख सकते हैं आप? कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए इतनी बात आ गई आपको समझ में अब ईस्टरीफिकेशन आएगा तो ये लिख लोगे सारा अब आगे बात आई डी ईस्टरीफिकेशन डीस्टिफिकेशन और उसे क्या कहेंगे जरा देखो व्हेन ईस्टर्स आर ठीक है मिक्स्ड विद NaOH डाइल्यूट NaOH तो डाइल्यूट NaOH डाल दिया जाए ठीक है देन It gives back dilute NaOH or acid. Or acid. Dilute acid. तो ये क्या दे देते हैं? ये दे देते हैं acidic acid original. ये वही दे देते हैं जो इसमें बना था. Acidic acid original. Then it gives back. Acidic acid and ethanol. और इसको क्या कहेंगे? Ethanoic acid. De-esterification. Saponification. एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन दिस इज कॉल्ड डी एस्टरीफिकेशन डी एस्ट
एस्टरीफिकेशन। अब जरा देखें कि डी एस्टरीफिकेशन क्या है। CH3COOH और C2H5 यही तो है एस्टरीफिकेशन में। क्या क्या बना? CH3COOH C2H5 है, यही है। हाँ सर, आप चाहे तो ऐसे क्यों लिख रहे हो आप? मैं लिख रहा हूँ दिखाने के लिए कैसे तोड़ा जाए। और C2H5 है और इसमें NaOH लगा दिया, तो अगर ये टूटेगा तो इसके साथ Na आ जाएगा सोडियम और इसके साथ OH माइनस से टूटेगा। सर HCl क्यों नहीं ले ले, क्योंकि HCl अभी तो होता है वो तो ये ले लो डाइल्यूट, ये ले लो और या फिर डाइल्यूट तो ये आ गया। तो ये क्या बन गया बताओ? CH3COONA बन गया। और साथ में क्या हो गया? C2H5OH। जैसा कि C2H3O है, देखो C2H5OH। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि शिवम ने क्या बोला? शिवम ने बोला कि यदि आप इसको एसिटिक एसिड बनाना चाहते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करने के बाद HCl से ट्रीट करो। क्यों बोला शिवम ने ऐसा? क्योंकि ये बात शिवम को भली प्रकार मालूम है कि HCl के साथ ट्रीट करने पर NaCl निकल जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। अब आप दूसरी रिफरेंस बुक पढ़ोगे तो आप भी शिवम की तरह सोच पाओगे, नहीं तो इतना मुश्किल है, लोग बता नहीं पाते हैं टेंथ के जितना इन्होंने बताया। CH3COOH और NaCl अलग हो गया कि नहीं? एच अलग हो गया। तो इस तरीके से अगर डाइल्यूट HCl ले गया तो प्लस NaCl अलग हो गया, ये अलग हो गया। NaCl इसमें घुलता नहीं, नीचे बैठ जाएगा। नमक का नाम क्या है? मतलब हमें बनाना था क्या? हमको बनाना था वो ये एसिटिक एसिड और इथेनॉल। लेकिन कोई कहेगा आपने तो NaOH से ट्रीट किया है तो सोडियम सॉल्ट बन गया। हमको कहाँ मिला? जो हमने दिया था वो तो नहीं मिला। तो फिर शिवम वहां कहेंगे अब तुम ऐसा करो इसमें डाइल्यूट HCl मिला दो। ऐसा करने से NaCl अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और तुम जो चाहते हो जो तुमने दिया था वही तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो इसलिए डी एस्टरीफिकेशन में पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर फॉलोड बाय डाइल्यूट HCl से। तो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है दीज आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्साइलिक एसिड। समझ में आ गई बात कि नहीं? अभी हमने इसे सर्कोनिफिकेशन क्यों नहीं कहा? यही आपका उद्देश्य है ना कि भाई इसे तो नहीं कह रहे हैं। क्या सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से नहाओ तो ये साबुन की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। यानी कि देख लो कितना अच्छा कह रहे हैं कि बाहर से आप मूंगफली का तेल ले आओ। अभी हम लोग दिखाएंगे कैसे बोला, ये बनाया होगा मालूम नहीं, इनके घर में होता होगा। तो मूंगफली के तेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, कुछ ना करो, क्या कर दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। किधर है सर? वो तीसरे नंबर पे रखा होगा, दूसरे पे। हाँ, तीसरे का सेकंड खत्म हो गया, पता नहीं वो पिघल के लाइट की रोशनी से पिघल के वो लिक्विड हो गया है, वो बहुत खतरनाक है। अगर कभी उसमें से लीक हुआ ना तो ये पूरा जल जाएगा लकड़ी। क्यों दिखा? तुम्हें तो हर चीज देखनी है, वो फ्लेम्स है इसमें दिखा देंगे, वो जलस बहुत है। जलस है, एक ड्रॉप भी गिरा तो जल जाएगा तुम्हारा, इतना खतरनाक। देखते रहते हैं समझ जाएगा। चाहे कंसंट्रेटेड NaOH हो या कंसंट्रेटेड HCl, दोनों खतरनाक हो। ये सही नहीं है, थोड़ा सा तुमने दबा दिया ढक्कन फक से मुंह पे तुम्हारा। पूछेंगे लोग कि क्या हुआ तो बोलो हम साइंस पढ़ रहे थे। दीपांशु कहाँ बैठ गया तुम्हारे? क्यों बता रहे हैं सर आप बंद कर दो। अरे तेरा बस चले तो पूरा ट्यूशन का तो ऐसे बैंक सब बात कर देगा। इतनी बात समझ आ गई? अब हम सर्कोनिफिकेशन जाने। सर HCl मिलाने के बाद सर्कोनिफिकेशन, जरा देखो हम हायर फैटी एसिड्स में करते हैं। अभी आपने सुना कि नहीं तेल में NaOH मिला, शिवम ने क्या बोला? हायर C17H35COOH और C2H5, इसका नाम बताओ। इथाइल
देख लो कितना अच्छा बता दिया इन्होंने, जो बताया है वो आगे की दो लाइन के बाद आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा वो क्या बोलना चाहते हैं, अभी जितना समझा रहे वो समझो कंसेप्ट। ये मिलाया हमने NaOH, तो NaOH के साथ अगर मिलाया तो ये यहाँ से टूट गया, इसके साथ Na होगा और इसके साथ क्या होगा OH, तो ये क्या बनेगा बताओ, C17H35COO Na और प्लस C2H5। तो अब देखो कि गजेंद्र ने ये क्यों कहा कि इसमें HCl मत मिलाना, बताया कि अब साबुन बन चुका है, अब मिलाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, तुम्हारा नुकसान होगा, इसीलिए गजेंद्र ने कहा। अब समझ में आया कितना गूढ़ अर्थ छिपा था। सर उसमें आपने वाटर क्यों लिया वो डायग्राम में, देख लो वाटर में क्योंकि सीधा डायरेक्ट हम इसको करेंगे डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा उस बीकर में क्या लिया आपने, ये वाटर है, बीकर में क्या लिया सर आप, इन दोनों का मिक्सचर और वार्म करना है। यही तो लिया था, और ये नहीं बोला था कि निर्जली कारक है। अब यहाँ देखो, यानी हायर फैटी एसिड्स को तुम क्या कहोगे बताओ, हायर जो ये कहते हैं मतलब इथाइल एसिड, जो हायर एस्टर्स होते हैं वो ऑयल है, तेल होते हैं। तो समझो यही ऑयल है जो हमारे घर में कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये यही है कुछ भी इसी तरीके के हैं सर। और उसमें सिर्फ आप क्या डाल दो, वो जो NaOH डाल दो, अभी यहाँ दिखाता हूँ कैसे कोएगुलेट होगा, कैसे जम जाएगा और चाकू से काट काट के साबुन बनाएगा, सीरिया का दिखाया था कि नहीं पहले, तो ये चीज है। तो यानी इसमें सिर्फ इसे मिला देने से जैसे पनीर नहीं जम जाता है, वैसे ही ये सोल्यूशन में एक लेयर जम जाएगी, ऊपर मोटी तैरने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी, नीचे से पानी हटाओ और जो साबुन साबुन बचा है बस उसी को क्या करो, कट कर दो, उस पर ठप्पा मार दो, लाइक वाला का बेचो। समझ में आएगा कि नहीं, आप समझिए सैपोनिफिकेशन क्या है। एक हमने एस्टरीफिकेशन बताया, अच्छा डीएस्टरीफिकेशन की डेफिनेशन बताओ। हमें मालूम नहीं, मैं वो दोनों बोल दिया ना उन्होंने, इसके साथ और इसके साथ ट्रीट किया, वो ऐसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वो दोनों बोल दिया बहुत कुछ बोलते चले जा रहे, डेफिनेशन खत्म ही नहीं हो रही। सुनो हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमने ये मिला दिया तो ये होता है शेविंग फोम, कई बार तुमने देखा उसमें एक स्मेल भी आती है विस्की जैसी, अच्छी सी आती है, एक थोड़ा सा स्मेल आती है अरोमा वैसे ही विस्की जैसी, तो ये मिला दिया तो वो लेदर देगा या क्या देगा, फोम देगा, फोटो पास में आ गई कि नहीं। तो आपको सैपोनिफिकेशन क्या होगा, दिस रिएक्शन, देखो अब इतना आपको लिखना नहीं है, मैंने बता दिया सैपोनिफिकेशन, डी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, सो इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। वही चीज तो है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आप हायर ईस्टर्स के लिए अगर यूज करो तो क्या सोप ना बन जाए, ये वही है, सिर्फ इसमें ऊंचे कार्बन ले लिए गए हैं, तो आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है टेंथ के लिए। क्या लिखोगे बताओ, सोप का आपने क्या कहा, डीएस्टरीफिकेशन ऑफ, डीएस्टरीफिकेशन ही तो है, ईस्टर को तोड़ देना क्या कहलाता है,
डी ऑयस्टर को जोड़ देना, ये एस्टरीफिकेशन है, ये डी एस्टरीफिकेशन है। तो डी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग, यही तो सोडियम स्टीयरेट है, सो इट इज कॉल्ड सैबुनिफिकेशन रिएक्शन, इसलिए साबुनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो, बात समझ में आ गई? डी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन इज यूज्ड, किसके लिए यूज्ड होती है? फॉर मेकिंग सोप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। साबुन है, सैपो से ना समझो, सोप से समझो, सोप के नाम से इन्होंने सैपोनी लिख लिया। अच्छा सर, हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो सर हम Na लिखेंगे या फिर CH3COOH लिखेंगे? क्या सर, जैसे ये लिखा हमने, उसके बाद NOH NaOH करके Na लिखेंगे ना, CH3COONa लिखना, तो ये लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको डीएस्टरीफिकेशन दिखाई दे, बुक में तो Na ही लिखा हुआ है, तो Na लिखा, देखो बुक में NaOH लिख के भी Na नहीं लिख रहा है सर, Na लिखा है ना सर, Na लास्ट में देखिए, लास्ट में लिखा है, लेकिन ऊपर तो नहीं लिख रहा है ना, उसको करना चाहिए था कि नहीं? NaOH से तोड़ रहा है फिर भी Na नहीं लिख रहा है सर, Na लिखा है ना लास्ट में सर, यहां पे सर लास्ट में लिखा हुआ है। अच्छा सर, ठीक है, मेरे में तो सर हम यही लिखें। हां हां, उसको लिखो, तो यही लिखो, तो उसे फिर उसके बाद जैसा शिवम ने बताया कि सर इसको ऐसे अच्छे कराओ, हां तो एक्सेल में अभी शो करना, करना कुछ नहीं है, आप जो बुक में है बस वही लिखते रहो, आपको पूरी जानकारी दे दी गई है होता क्या है, लेकिन आप जो बुक में वो लिखते रहो बस, सही है कि नहीं? उन्होंने Na वैसे करा दिया तो Na नहीं बनेगा, Na है लिखा कि नहीं? हाँ। तो Na लिखा है तो सही है सर, यही तक दिया है बुक में, ठीक है, बाकी पूरी रिएक्शन ये भी सही है, आगे 11th में जाओगे तो पूरी बता दी जाएगी। सर एक मिनट सर, सर जब साबुन बनाते हैं ना, तब साथ में अल्कोहल बनता है, अब अल्कोहल बन जाए, देखो तुमको बता दें कि कई बार क्या होता है कि यहां पर इस तरीके से होता है C17 और H 35 है। अब जरा देखो C2H5 भी हो सकता है सर, इसके अंदर तो कहीं पर भी C17H35 ये देखो CH O C11O और C17H35 ये 35 और फिर CH2O और C00 ये देखिए C17H35 ये चीज क्या है? That is, ये इसको कहते हैं फैट और इसमें अगर सुन लो, अगर मैं इसमें यहाँ पर क्या कर दूं, तोड़ दूं, तो तोड़ देने पर यहाँ पर Na आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा OH, और यहाँ क्या आएगा OH, और यहाँ OH, तो मैं Na और OH से इसको तोड़ दूं तो बोलो क्या तीन साबुन मिल जाएंगे? हाँ। और ये चीज भी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी बताओ? ग्लिसरॉल, जिसको अभी हमने दिखाया था एक डिब्बी में, ये देखो C3H5CH3OH, समझ लो, ये इसका फार्मूला भी ये देख लो, ये कुछ नहीं है, ये फैट है जो हम खाते हैं, तेल भी यही है वो, तो क्या बना बताओ? CH2OH बना और ये CHOH बना और ये CH2OH, तो यही जो चीज है इस, ये बन गया ग्लिसरॉल, क्या बना? ग्लिसरॉल। अगर ये ज्यादा डाल दो तो पियर्स सोप बन जाए, ये ज्यादा डाल दो डव, तो ये वाला शेविंग, और साथ में तीन क्या बने? C17, S35, C00, क्या ये सोप है? हाँ।
तो सोप में जितना ये मिक्स करोगे उतना वो वैसा बनेगा विंटर वाला सोप की आपकी त्वचा जो है बिल्कुल मुलायम रहेगी, मखमली वो मतलब मॉइस्चर रहता है। सोप में ये भी मिला सकते हैं, थ्री होना जरूरी है? थ्री तो तीन मिले ना, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, और एक यहाँ से मिला, और ये तीन हो, ये ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल, समझ आया? सिंगल में सिखाया गया, लेकिन कई बार जो फैट से बनाओगे, जैसे तुमने कहा हमने कढ़ाई में तेल उबाला फिर रहने उजाला, तो जो तेल उबाला वो ये है, वो ये नहीं है। सेपोनिफिकेशन से सोप बनता है ना? कभी भी तेल में एनिवर्स डाल दो तो सोप बन गया, ये घर घर की प्रक्रिया है। कम से कम लाखों लोग अपने घर में सोप बनाते हैं, घड़ी 555 ऐसे ही शुरू होने का। आपने ही बताया ना, तेल है तुम्हारे घर में, और तेल में अगर तुमने एनिवर्स डाल दिया तो साबुन बन जाएगा। साबुन बन गया अभी नाव से, यही तो दिखाया है आप लोगों को, वीडियो सब दिखाया है सर। सर आपने क्या नाम लिखवाया? मैं फिर से दिखा दूंगा सर। इथाइल एसीटेट तेल होता है, इथाइल एसीटेट तेल होता है ना, पहले भी दिखा दिए तो उससे क्या टाइम सर? हाँ। सर इथाइल एसीटेट तेल होता है, इथाइल एसीटेट है ना, ये इथाइल एसीटेट, ये तो लोअर फैटी, ये लोअर ईस्टर है, ये तेल नहीं है, इथाइल स्टीरेट लोग। तो सर ये रेट ये बुक में नहीं है, ये डी एस्टरीफिकेशन है। लेकिन तुमको अगर सच में साबुन बनाना है तो तुम्हें हायर कार्बोक्सिलिक मतलब हायर ईस्टर चाहिए ना। सर एग्जाम में क्या लिखते हैं? एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, ये सोप में लिखवाएंगे, अभी आ रहा है सोप पढ़ाने जा रहा, उसके मतलब ये रिएक्शन नहीं, तो नहीं दिए तो कोई बात नहीं, सोप का पता होगा तब तो कुछ जानोगे, थोड़ा दो स्टेप पीछे का देखोगे तो गलत नहीं होगा, और सिर्फ बुक बुक से चलोगे तो पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या, थोड़ा पीछे का बताना पड़ता है, पीछे आगे का सर। हाँ मतलब कहीं का भी थोड़ा बेसिक लेके चलना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम है। अब आगे चलो, देखो पहली रिएक्शन मैंने क्या समझाई, केमिकल रिएक्शन, पहली रिएक्शन में बताया है कि इथेनोइक एसिड, जब इथेनॉल से रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर देते हैं, ये समझना है। अब अगला पेज पढ़ते, दो रिएक्शन बची है, तो सेकंड रिएक्शन क्या है? सेपोनिफिकेशन सुनो, ये केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की है ही नहीं, क्योंकि ये तो उसका बनना दिखाया गया, उसकी रिएक्शन तो नहीं दिखाई गई ना। अब थर्ड देखो, थर्ड में आप देखिए कि अगर CH3COOH को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर CH3COOH और प्लस H2O, क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है? तो क्या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? बोलो CONA, हाँ H2O, H2O, तो इसको क्या कहेंगे? ये सॉल्ट है जी सर, और ये वाटर, ये कैसा सॉल्ट है शिवा? सोपी सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये बताएंगे कैसा सॉल्ट है? सॉल्ट, देखो इन्होंने बता दिया बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम सॉल्ट भी तो बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कैसा है? वीक एसिड, जैसा कि गजेंद्र ने बताया वीक एसिड है, तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके कैसा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट? ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, जो चीज डोमिनेट करती वैसा ही तो सॉल्ट बनेगा, तो ये कैसा सॉल्ट बना बताओ? बेसिक सॉल्ट, समझ में आ गई बात की नहीं? तो दूसरी चीज क्या है कि ये NaOH से रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट देता है? कौन सा नाम है उसका? सोडियम। अगर Na से रिएक्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या बनेगा? Na से रिएक्ट करें बताओ, सोडियम। सही है, तो एक चौथी रिएक्शन लिखो, ये भी डिफरेंस में काम आएंगे, CH3COOH को सिर्फ सोडियम का चंक डाल दो, CH3COOH plus H2, तो CH3COOH plus H2 ऐसी रिएक्शन
सोडियम एथॉक्साइड पीयूष जाट क्या ऐसी रिएक्शन आपने इथेनॉल में भी देखी थी? हाँ सर, कर 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 सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं ना, इसे क्या कहेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। अब इसको भी बोलो सोडियम इथेनोएट। अच्छा, क्योंकि ये इसकी जगह अगर इथाइल होता हाँ। तो इथाइल इथेनोएट है ना, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। तो दैट इज, अब ये क्या बना? H2 बन गया। तो यहाँ 2-2 लगा दो, तो ये भी रिएक्शन होती है इसमें कि नहीं, और ये गैस बन जाती है और इसको पॉप साउंड के साथ जाना जा सकता है। इसके दो नाम बताओ गजेंद्र। इसके सर सोडियम एसीटेट और इथाइल इथेनोएट। नहीं, सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट। सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट, ठीक है। और यह सोडियम एसीटेट, टू सोडियम एसीटेट होगा ना, टू से क्या लेना देना, वो तो अच्छा ऐसे ही है। अब जरा देखो ऐसा आगे कराया गया है, अब आगे और भी दो रिएक्शन बता रहे हैं इसी में। और सर कितनी रिएक्शन है देखो, हम क्या जाने बुक में है तो वही तो करोगे। Na2CO दिस कराया कि नहीं? जी सर, सोडियम कार्बोनेट। वो क्या बनेगा? देख लो ये H2CO3 है, CH3COONa, CH3COONa के दो बन गए, प्लस CO2 भी दो बन गए, प्लस वाटर। हाँ बोलो, बताइए हम बता दें शिवम। ये तुम जान गए कि इसके दो बने, ये बोलो दो बने, बोलो CH3COONa के दो बने। अगर मान लो इसको धावन सोडा या वाशिंग सोडा के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है और बाकी H2CO3 बना कि नहीं, लेकिन H2CO3 को तोड़ो तो क्या होता है? HCO3। यानी सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोला तो ठक से CO2 निकले, तो H2O + CO2 बनता है कि नहीं, कि उसी में रुकी रहती है तुम्हारी पेप्सी शाम तक वैसे ही बनी रहती है, कि CO2 निकल जाती है। निकल गई कि नहीं निकल गई? बोलो चौथी चीज और पांचवी चीज क्या है? सर ये थर्ड रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा। थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई गई है, तो एक एसिड और एक बेस है तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? देखो पानी बना, सॉल्ट और वाटर, और अगर आपने Na से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन बना, Na2CO3 से रिएक्शन कराई एसिड और बेस में सब बना दो, जब एसिड का Na2CO3 से करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2O बस ये, अब NaHCO3 से रिएक्शन कराई तो तब भी सेम CH3COO नहीं, बस H2O बनेगा उसका, CO और प्लस NaH। अच्छा ये होगा, हां बनेगा तो क्या होगा? सेम CH3COONa + H2O + CO2 इसमें भी देख लो CONa और H2O निकल जाएगा, एक H इसके साथ और एक O भी आएगा H2O, और साथ में क्या आएगा? CO2 + CO2। कितनी बात समझ आई? आप जरा देखो, रुको जरा, नाउ डिफाइन सर, आप नाम लिखने के मत दे देना, सोडियम मेथेनोएट का नाम लिखो ये सर। ऐसे दिया है, क्या दे?
सर डिस्टेरिफिकेशन सेपरेशन तो एक ही है ना सर Na2CO3 को ये समझा दो सर सर ये तो बोला डिस्टिलेशन सर नाम तो नहीं लिखने ना ये चल जाएगी सर नाम किसके सर इग्नोर करो नाम बोलो बोलो सर फोर्थ के अंदर सेकेंड रिएक्शन बैलेंस्ड है फोर्थ सर हाइड्रोजन एटम देखना हां बैलेंस्ड है दो हैं दो इधर नहीं लिखने सर रुक जाओ सर उससे सर नाम तो नहीं लिखने ना दो एच है सर LHS में 8 है क्या हाइड्रोजन एटम आठ है तो उससे सर 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 दस है सेकंड में फोर्थ के सेकंड में विनेगर में हम क्या रखेंगे सर बैलेंसिंग नहीं करती ना सर विनेगर में हम क्या लिखेंगे इथेनॉइक एसिड का लिखेंगे क्या विनेगर आपने दिया है ना उसमें इथेनॉइक एसिड 5.8% सॉल्यूशन टू वाटर इज नोन एज क्या टू वाटर मतलब 5-7% ना 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड With water is called vinegar. It is used for preservation of fetus. 5-7% of book में लिखा हुआ है जो भी सर ये C2H5OH वाला बता दो क्या होगा क्या C2H5OH वाला बता दो क्या होगा तो वही तो ईस्टर बनेगा ईस्टर रिएक्शन बता दो क्या होगा सही बात बता दी है C3COOC2H5 बस इसका OH निकालो स्टार्च निकालो एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस इट often melts in cold countries and freezes and look like glaciers so it is named glacier हाँ glacier की तरह दिखता है तो इसीलिए इसको glacier ऐसे कहते हैं चलो हम करो no sir अभी नहीं थोड़ा time दीजिए sir कर दो तो soap की तरह करा देंगे इसको कर लो पटा हाँ sir कर रहे हैं sir balance लिख रहे हैं नहीं कुछ नहीं बस इनके product के नाम लिखो sir सर रिएक्शन लिख देंगे तो नाम पांचों के ना तो 5 रिएक्शन लिख लो चलो हाँ सर राइट 5 रिएक्शन इंडिपेंडेंट सर ये मिटाने में हाँ ठीक है एसिटिक एसिड ऑफन मेल्ट्स इन कोल्ड कंट्रीज एंड व्हाट एसिड ऑफन मेल्ट्स इन कोल्ड कंट्रीज एंड ग्लेशियर्स सो इट इज आल्सो नोन एज़
नाउ स्टार्ट कुछ मिटाओगे नहीं ना नहीं ओके स्टार्ट करो बोलो नहीं नहीं किसी का नहीं देखो क्वेश्चन कहीं है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कोहल भी आ सकता है अगर ये आए तो भी वही आंसर लिखना और अगर आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड तो भी ये ठीक है सो इथेनॉल भी आए तो भी अल्कोहल लिख देना और इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड सर दोनों का एक ही आंसर हाँ अगर क्योंकि केमिकली वही है ना मेनली ये पूछा जाएगा आपसे लेकिन फिर भी इन जनरल आ जाए तो लिख देना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से बस जाना और बाकी वही कॉमन इथेनॉल इथेनॉल इथेनोइक एसिड इज एसिड केमिकल फॉर्मूला इस इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है C2H5OH केमिकल C2H5OH इसका जनरल फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं इस लिख सकते हो तो CH3COOH ठीक है सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कितना है -118 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखवाया 100 कितना लिखवाया इट्स कल लिखवाया 17 डिग्री सेल्सियस एंड 290 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 118 इससे बच जाना तो फिर उसका देखो जरा सर बॉइलिंग पॉइंट का 156 ये केल्विन केल्विन नहीं ठीक है 156 डिग्री सेल्सियस और ये मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया सर वो मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन ये ना वो -156 केल्विन ऐ सर वो नहीं डिग्री सेल्सियस और ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट देख के हम कैलकुलेट कर देते हैं तो 156 केल्विन है तो करो जरा 273 और 156 तो कितना हो जाएगा 78 सर ये 13 दैट इज 78 का और ये 117 -156 है ना तो कितना हो जाएगा 117 डिग्री सेल्सियस सर मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन है तो उसको बदल दिया सर क्यों बदल रहे हैं और बदलना नहीं है ऐसे ही केल्विन में याद रखोगे हां सर तो सर या तो दोनों में से किसी एक में रखना है और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है सो इट इज 156 केल्विन एंड दिस इज 351 केल्विन और उसका क्या क्या है सर 290 केल्विन 390 केल्विन
391 केल्विन, ठीक है, ये चीज है। अब देखो इट हैज कैरेक्टरिस्टिक इसमें इसका इथेनॉल और जबकि इट हैज पंजेंट स्मेल। ठीक है, इट इज माइल्ड बेस एंड टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू। सर पंजेंट मतलब तीक्ष्ण असुंगनीय। ठीक है, इट इज माइल्ड बेस, माइल्ड बेस व्हिच कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। सर कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनॉलिक एसिड होता है, इट इज माइल्ड अच्छा या वीक एसिड, एक ही बात है वीक एसिड। सर बोर्ड में मेल्टिंग पॉइंट को एनपी लिख दे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना। व्हिच कन्वर्ट्स ब्लू रेड लिटमस टू रेड। इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल प्योरेस्ट फॉर्म is known as known as it has absolute alcohol character form is called glacial acetic acid क्योंकि ये alcohol क्या चीज माइल्ड मतलब माइल्ड का मतलब बहुत धीमा मन तो वीक धीमा। सर इसका प्योरेस्ट फॉर्म ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं क्यों क्योंकि वो ग्लेशियर के प्योरेस्ट प्योर होगी तो जम जाएगी 17 डिग्री पर और ग्लेशियर की तरह रहेगी। माइल्ड का मतलब है धीमा। अगर आपको माइल्ड डोजेस दिए जाए पॉइजन की तो आप साल बर्बाद मरोगे। इसका ये मतलब होता है जल्दी नहीं मर सकोगे। और अगर तेज डोज दी जाए ना। अब देखो थोड़ा साइड होना दो ऐसे बोलिए। इसके अलावा ना बाकी इसके डिफरेंस अगली क्लास में कल सर लिखवा तो दो सब पूरा कंप्लीट करा दो आगे के लिए। Difference between ethanol and acetic acid. Sir, ठीक है अब देखो ये सर हमने बैग में पैक कर सात पॉइंट और हैं कहाँ का पाओगे दूसरे बच्चों थोड़ा सा साइंस बाकी करा ठीक है। अभी पढ़ना है क्या कि सबके साथ पढ़ना चाहती हूँ वाले सर अभी आप पढ़ा रहे हो सर मैं रुक रहा हूँ अभी नहीं पहले वाला होगा तो उसमें रखा हूँ अच्छा ठीक है।